वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने सस्ता घर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सस्ता घर आपको 3 BHK का एक फ्लैट दिखाने वाला है जो 2 BHK से भी कम प्राइस में आपको मिल जाता है। प्राइस मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, पहले मैं बताना चाहता हूँ जो प्रॉपर्टी मैं दिखाने वाला हूँ कितने गज की है। जो फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ 120 स्क्वायर यार्ड का है। बिल्डिंग के साइज़ की बात करें तो 250 गज की बिल्डिंग है, एक फ्लोर पर 2 फ्लैट बने हुए हैं। सेकेंड फ्लोर मैं आपको दिखाऊंगा आज, उससे पहले मैं उसकी कनेक्टिविटी बता देता हूँ। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो छतरपुर मेट्रो से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर और आपका तिवोली गार्डन से 800 मीटर की दूरी पर और कुतुब मीनार से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर यह प्रॉपर्टी पड़ेगी। ये गेटेड कंपाउंड है, इसके अंदर 24/7 गार्ड मिलने वाला है। रोड आपको 20 से 22 फीट के रोड मिल रहे हैं। फैमिली आपकी काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी सेफ है इस कंपाउंड के अंदर। कनेक्टिविटी आपको बता चुका हूँ और आने वाले टाइम में आपको यहाँ सिल्वर लाइन की मेट्रो मिलने वाली है जो आपकी तुगलकाबाद से एरो सिटी कनेक्ट करेगी। उसका स्टेशन आपको इग्नो यूनिवर्सिटी पर मिलने वाला है। तो आपको यहाँ 3 मेट्रो स्टेशन मिल जाएंगे आने वाले टाइम में, एक छतरपुर कुतुब मीनार मेट्रो और आपका इग्नो यूनिवर्सिटी का मेट्रो। दोस्तों, कंपाउंड से बाहर निकलती है आपको ग्रोसरी आइटम्स के लिए कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर मिल जाते हैं, स्कूल्स हॉस्पिटल आसपास ही अवेलेबल है। बाहर निकलती है आपको नंदा हॉस्पिटल, मनचंदा हॉस्पिटल और वसंत कुंज के सारे स्कूल 4 किलोमीटर की रेंज में अवेलेबल है। और दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इस कंपाउंड के अंदर लेकर चलता हूँ जहाँ मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, फ्लैट के बारे में आ चुके हैं, फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं किस तरह का फ्लैट है। फ्लैट आपको बता दिया, सेकंड फ्लोर पर मिलेगा, लिफ्ट इसमें नहीं है। सबसे पहले मैं इसका स्टेयरकेस दिखा देता हूँ। स्टेयरकेस बहुत बड़ा दिया हुआ है, 3.5 फीट इसकी चौड़ाई दी हुई है। राइजर अप्रॉक्स 7 इंची के दिए हुए हैं। स्टेप जितने भी हैं 11 इंची के दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छा ग्रेनाइट लगाया हुआ है ब्लैक कलर का, तो स्टेयरकेस भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब बात करते हैं इसके मेन डोर की। एंट्रेंस जितनी मिल रही है 3.5 फीट की मिल रही है आपको। ऊपर वेंटिलेटर दिया हुआ है, हाइट 8.5 फीट दी हुई है, काफ़ी अच्छी हाइट है। तो वेंटिलेटर इसलिए दिया हुआ है जो प्रॉपर लाइट इसमें रहे। जितने भी डोर्स आपको मिल रहे हैं इसके अंदर लैमिनेटेड डोर मिल रहे हैं, बोथ साइड लैमिनेट लगाई हुई है। और इसमें जितने भी चौकटे हैं इसके अंदर आपको पेंट मिल रहा है चौकटों के ऊपर और इस पर आपको लैमिनेट मिल रही है। अब हम लिविंग एरिया के अंदर आ चुके हैं। लिविंग एरिया का साइज भी बहुत अच्छा दिया हुआ है दोस्तों, 14 फीट बाई 14 फीट का दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि इसमें जो फ्लोरिंग लगाई हुई है वो स्टोन लगाया हुआ है। स्टोन आपको पता होगा कि अब 1-2 साल के अंदर इसमें पॉलिशिंग करा के इसको फिर नया बना सकते हैं। सीलिंग आपको देख सकते हैं, इसमें बॉर्डर मिल रहा है 2 फीट का। बॉर्डर के साथ आपको 5 इंची पैनल लाइट मिल रही है और कोव मिल रहा है। और कोव में आप लाइट लगाएंगे तो और अच्छी आपकी फॉल सीलिंग लगेगी। पेंट आपको वाइट कलर का मिल रहा है जो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग देता है घर में और वॉल को स्मूथ बनाता है और फ्लैट को बड़ा बनाता है। स्मूथ भी काफ़ी अच्छी वॉल है आपकी, देख सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं इसके किचन दिखाता हूँ। किचन बिल्कुल न्यू बिल्ड किचन है, किचन अभी तैयार हुई है। ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वाइट कलर की गिल्डर लैमिनेट लगाई हुई है जो काफ़ी ग्लॉस कर रही है, हाई ग्लॉस लैमिनेट लगाई हुई है। नीचे ब्राउन कलर की कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सिंक आपको SS की मिल रही है। इधर आपको मिक्सर मिलने वाला है जिसमें ठंडा गर्म पानी दोनों आपको मिलेंगे। इसमें आपको ऊपर स्टोरेज मिल रही है जिसमें आप अपनी स्टोरेज रख सकते हैं, पल्सेस रख सकते हैं और अपना डेकोर आइटम रख सकते हैं, डाइनिंग का जो आप हम कभी कभी यूज़ करते हैं वो आइटम रख सकते हैं। नीचे आपको बास्केट्स मिल रही हैं जिसमें आपकी क्रॉकरी बास्केट, थाली बास्केट, ग्रेन ट्रॉली आपको और आपको कटलरी मिल रही है। इसमें सारी आपकी स्टोरेज बनाई हुई है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी किचन लग रही है। इधर आपको विंडो मिल रही है काफ़ी बड़ी जिसमें शटर्स दिए हुए हैं 2। ऊपर आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है जिसमें सफोकेशन की प्रॉब्लम ना हो। चिमनी के लिए आपको इधर पॉइंट मिल रहा है, इधर चिमनी आप लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे आप अपना हॉब लगा सकते हैं या चूल्हा लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसका फर्स्ट बेडरूम आपको दिखा देता हूँ। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। इसमें 3 बेडरूम आपको मिल रहे हैं, 2 फ्रंट साइड में, 1 बैक साइड में। अगर इसके साइज़ की बात करें तो 10 फीट बाई 12 फीट का ये बेडरूम मिल रहा है। 2x2 की इसमें टाइल लगाई हुई है, डिजिटल टाइल ग्लॉस कर रही है काफ़ी अच्छा। ऊपर आप चारों तरफ देख सकते हैं कॉर्निस बनाई हुई है, इसमें सीलिंग आपको नहीं मिल रही। वॉल काफ़ी अच्छी स्मूथ लग रही है। सारे स्विचेस आप देख सकते हैं कि आपके बेड के साइड स्विचेस दिए हुए हैं जो आपके जो साइड टेबल है उसके ऊपर आएंगे। इधर आपको अच्छी विंडो मिल रही है जिसमें नीचे ओपनेबल शटर्स दिए हुए हैं। इसमें आप मॉस्किटो नेट लगाएंगे तो पीछे बहुत अच्छी सॉफ्ट है, इससे प्रॉपर आपको एयर मिलेगी। ऊपर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी विंडो मिल रही है, इसके ऊपर आप विंडो AC लगा सकते हैं। अब मैं इसका आपको अटैच टॉयलेट दिखा देता हूँ। दोस्तों, इस टॉयलेट का साइज़ भी ठीक ठाक दिया हुआ है, 5 फीट बाई 5 फीट का। इधर आपको वॉल हैंग शीट मिल रही है, पेडिस्टल वॉश बेसिन मिल रहा है, वॉल मिक्सर आपको मिल रहा है, टाइल्स डार्क एंड लाइट कलर की टाइल लगाई हुई है। ऊपर आपको एक सरफेस लाइट लगाई हुई है और इधर भी विंडो मिल रही है जिसमें आपका एक एग्जॉस्ट फैन मिल रहा है आपको और लाइट के लिए इधर एक फिक्स ग्लास की विंडो मिल रही है, तो प्रॉपर इसके अंदर लाइट रहेगी, सफोकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब दोस्तों इसका मैं सेकंड बेडरूम दिखाने से पहले इसका एक कॉमन टॉयलेट भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसका कॉमन टॉयलेट है, इसका साइज भी अच्छा दिया हुआ है, 5 फीट बाई 8 फीट का दिया हुआ है। नीचे फ्लोरिंग में डार्क कलर की लाइट टाइल लगाई हुई है, वॉल पे लाइट कलर की लगाई हुई है, एक वॉल को बेदिंग एरिया को हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर आपको वॉल मिक्सचर मिल रहा है, पेडिस्टल वॉश बेसिन मिल रहा है, वॉलिंग सीट आपको मिल रही है। इधर आपको एक विंडो मिल रही है जिसमें एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है, इधर फिक्स ग्लास दिया हुआ है तो सफोकेशन की प्रॉब्लम ना है, इसके लिए भी एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है। अब मैं इसका सेकंड बेडरूम आपको दिखा देता हूँ। इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 9.5 फीट बाई 11 फीट का दिया हुआ है। इसमें फ्लोरिंग सेम लगाई हुई है, 2x2 की टाइल्स लगाई हुई हैं। ऊपर चारों तरफ आपको कॉर्निस मिल रही है, वॉल आप देख सकते हैं वाइट कलर की वॉल मिल रही है जिसमें पीओपी पनिंग के साथ इसको स्मूथ किया गया है। जितने भी डोर्स हैं बेडरूम के वो 36 इंचेस दिए हुए हैं, हाइट 8.5 फीट दी हुई है। इधर विंडो आपको मिल रही है जिसमें आप मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं तो प्रॉपर एयर मिलेगी। विंडो एसी आप यहाँ लगा सकते हैं या इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, 2 जगह आपको प्रोविजन मिल रहे हैं। इधर अच्छी वार्डरोब आपको मिल रही है, अप टू सीलिंग 3.5 फीट इसकी चौड़ाई है और अप टू सीलिंग दी हुई है। और दोस्तों अब चलते हैं बालकनी के, क्योंकि दोनों बेडरूम फ्रंट के बालकनी में ओपन होते हैं। मैं थर्ड बेडरूम ले जाने से पहले आपको बालकनी का साइज बता देता हूँ। बालकनी की साइज की बात करें तो 13 फीट बाई 3.5 फीट की दी हुई है। SS की रेलिंग आपको मिल रही है, फ्लोरिंग ग्रेनाइट लगाया हुआ है जो रेफ्रेंटिव यूज कर सकते हैं, इजिली क्रैक नहीं होता। जितनी भी आप वॉल देख रहे हैं नया टेक्सचर पेंट हो रहा है इसके अंदर रस्टिक। अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ जिसके हम चेक करेंगे किस तरह का उसका साइज दिया हुआ है। दोस्तों इसके साइज की बात करें तो जो लास्ट बेडरूम है 10 फीट बाई 11 फीट का दिया हुआ है। सेम आपको कॉर्निस मिल रही है, फैन मिल रहा है, ट्यूबलाइट आपको मिल रही है, वॉल वाइट है, रिमार्क है सारे स्विच सॉकेट जो होने चाहिए बेड के साइड में, फ्रंट साइड में अच्छी विंडो आपको मिल रही है जिसमें ओपनेबल पल्ले दिए हुए हैं, ऊपर आप विंडो एसी लगा सकते हैं। इधर आपको अप टू सीलिंग एक वार्डरोब मिल रही है 3.5 फीट की, टाइल 2x2 की टाइल सेम टाइल लगाई हुई है। दोस्तों फ्लैट के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं इसका रिकैप कर देता हूँ। अगर मैं फ्लैट के साइज़ की बात करूँ तो अप्रोक्स 120 स्क्वायर यार्ड का ये फ्लैट है। इसके अंदर सुविधाएं की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड का पानी मिल रहा है, गेटेड कंपाउंड आपको मिल रहा है, सीवर इसमें ढले हुए हैं, BSS के मीटर मिल रहे हैं, कॉमन टेरिस आपको मिल रहा है। और दोस्तों बिल्डिंग का फेसिंग बहुत अच्छा है। बिल्डिंग के फेसिंग की बात को तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ये बिल्डिंग आपको मिल रही है। आपको पता होगा कि वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट बहुत बेस्ट लोकेशन होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के टाइटल की प्राइस की। प्राइस सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे, कहेंगे इतने अच्छे प्राइस में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। और दोस्तों जो भी हम प्रॉपर्टी देखते हैं हम क्या देखते हैं, प्राइस अच्छा होना चाहिए और सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो इस रेट में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर मैं प्राइस बताना चाहता हूँ आपको 38 लाख में फ्लैट आपको मिल रहा है। और कनेक्टिविटी की बात करूँ तो तिवोली गार्डन से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से बाहर निकलती है आपको ई रिक्शा शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं जो आपको मेट्रो तक ड्रॉप कर देते हैं, जिसमें मेट्रो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, छतरपुर मेट्रो। दोस्तों प्रॉपर्टी का टाइटल अभी GPA है तो इसमें आपके फाइनेंस नहीं हो पाएगा, बट ये प्राइस काफ़ी अच्छा है, इस डील को ग्रैब करें, अपने विजिट शेड्यूल करें, एक बार विजिट जरूर करें। अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आने वाले इस तरह की सस्ती प्रॉपर्टी आप तक मिल पाएँ। तो मैं सचिन गहलोत आपसे फिर मिलूँगा एक नए सफ़र पर नए फ्लैट के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें।